India. What about you, ma'am? Okay, I'm Mrs. Manisha Maru and I'm the contestant number 21 of Perfect Mrs. India 2019. Ma'am, what about you? Hi, I'm Anjali Rosario, contestant number 33, Perfect Mrs. India. My name is Varsha Bhartake, contestant number 41, Mrs. Perfect Women Contest 2019. Contest ke baare mein. आई वुड लाइक टू से दैट ये एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिसमें ना एज ग्रुप देखी जाती है. इट्स नॉट अबाउट योर बॉडी, इट्स नॉट अबाउट योर आउटर ब्यूटी, इट्स जस्ट द कॉन्फिडेंट व्हाट यू हैव विद इन योर सेल्फ एंड टू ग्रूम योर सेल्फ और आपके अंदर के आत्मविश्वास को जगाता है. ओके, आई थिंक मैरिज डजंट, लाइफ डजंट एंड आफ्टर मैरिज, सो दिस इज़ वेरी गुड प्लेटफॉर्म एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स प्राइवेट परफेक्ट Private Limited India, who gave the opportunity to come up and show our missing talent. जैसे girls और youngsters को अच्छा platform मिलता है, yes, वैसे ये married women's के लिए बहुत ही अच्छा platform है. Beauty is not only important, grace जो होता है वो सबसे ज़्यादा important होता है, उसमें confidence होता है. तो ये platform जो है वो हमारे लिए बहुत. You don't need to be in a proper or perfect shape, or you don't need to be a perfect wife or a perfect mother to be a perfect woman. You just have to feel that you're perfect, and there you go. I believe that's the whole definition of perfect woman. It is a very big day coming up for all the women in 24th of September for the which is called a mega final. So what do you say about this? It's on 21st of September, yeah. Right? Yes, so it's a mega final, and there will be one winner who will be chosen on 21st of September. So I wish all of them best of luck, but I also wish may the best one win. So fingers crossed. सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो, क्योंकि housewife को मैं प्रणाम करता हूँ. साक्षात माँ अन्नपूर्णा और देवी का रूप होती है housewife. घर संभालना सरकार संभालने से ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए जो माएँ जो बहनें जो पत्नियाँ घर संभाल रही है उनको साष्टांग दंडवत नमस्कार. और मैं कहना चाहता हूं कि उनके लिए अगर परफेक्ट वुमन ये कॉन्टेस्ट शुरू हुआ है तो मैं समझता हूं कि हर गृहिणी परफेक्ट वुमन ही है. उनको तो एक एक को ही सोलो सोलो ही विनर दे देना चाहिए, अवार्ड देना चाहिए, क्योंकि घर के बाहर हो सकती है मन की बात, घर के अंदर होती सिर्फ वुमन की बात. पत्नी की बात चलती है, पत्नी हमेशा पति को यही बोलती है, सुनो जी सुनते हो, सुना क्या? आज तक किसी पत्नी ने अपने पति से ये नहीं कहा होगा, कहो जी कहते हो कुछ कहा क्या? नहीं, सिर्फ सुनो सुनो सुनाओ, लाइव बनाओ, और सिर्फ सुनना है तो वाइफ बनाओ. 21 सितंबर को हर हाउस वाइफ GF बनेगी, ग्रैंड फिनाले, ग्रैंड फिनाले में जाएगी. और मैं अपनी भारतीय महिलाओं को नारी शक्ति को प्रणाम करता हूँ. नारी शक्ति ये शब्द में ही मैं समझता हूँ कि ताकत है. नारी शक्ति पुरुषों को क्या, मैन पावर, मजदूर वाली फीलिंग आती है. और ऊपर से जब से रानू मंडल आ गई है, एक प्यार का नगमा तेरी मेरी कहानी, तो पत्नियां जो है वुमेन जो है टेढ़ी मेढ़ी कहानी को भी तेरी मेरी कहानी बना देती है, संघर्ष को भी फूलों भरा रास्ता बना देती है. तो मैं ऐसी महिलाओं को अपने ऐसी गृहिणी को माता बहनों को ऑल द बेस्ट कहता हूँ और परफेक्ट वुमन के इस कॉन्टेस्ट को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ. भक्तजनों परफेक्ट वुमेन्स की भावनाओं को समझ. आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव बिकॉज जो हमारी हाउस वाइफ्स हैं जो कुछ करना चाहती हैं और किसी ब्यूटी पैजेंट में अगर हिस्सा बनना चाहती हैं तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से एंड ऑल द बेस्ट. आई थिंक परफेक्ट वुमेन वो होती है जो अपनी फैमिली का ध्यान दे, अपना ध्यान दे, सबसे पहले अपना ध्यान दे, अपनी फिटनेस का ध्यान दे, अपने काम का, अपने बच्चों का, हर चीज़ का ध्यान दे. और आई थिंक लड़कियां भगवान ने बनाई ही इसलिए है क्योंकि वो हर चीज़ में परफेक्ट होती हैं, तो मेरे हिसाब से वही एक परफेक्ट वुमेन है जो हर चीज़ को बैलेंस कर सके.